गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वेश सर। आज आज का टॉपिक आपका क्या है? आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट क्या है? पहला मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आप बार बार बताते जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने वीडियो में बहुत कुछ पढ़ लिया। आज है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का नेक्स्ट लेक्चर। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के लेक्चर में आज का टॉपिक क्या रहेगा? अभी तक हम लोग इसके पहले लेक्चर में पढ़ा सिंपली सपोर्टेड बीम, तो आज हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या पढ़ेंगे? कैंटिलीवर बीम हिंदी में कहते हैं इसको कैंटिलीवर धरन। कैंटिलीवर के बच्चों, ये क्या है? कैंटिलीवर धरन। कैंटिलीवर धरन क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, इस किस लिए उपयोग किया जाता है, इसकी बात करते हैं। तो कैंटिलीवर बीम देखिए, धरन क्या होती है? एक तरफ आबद्ध होती है, आबद्ध मतलब एक तरफ फिक्स होती है। देखिए, एक ऐसी धरन होती है जो एक साइड में फिक्स होती है और दूसरे तरफ फ्री होती है। इसी कहते हैं कैंटिलीवर बीम। एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट बी है। ओके, बात क्लियर है? तो ए, तो कहने का मतलब है कैंटिलीवर धरन इट्स विच टाइप, अगर इसकी डिफिनेशन लिखने के लिए आती है तो क्या लिखोगे? तो कैंटिलीवर धरन एक ऐसी धरन होती है या ऐसा धरन होता है कि जो वन एंड फिक्स होता है, अदर एंड इज फ्री होता है। दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ लिख सकते हो इन दिस टाइप, इन दिस टाइप्स ऑफ बीम, इन दिस टाइप ऑफ बीम वन एंड फिक्स अदर इज फ्री। कहने का मतलब एक सिरा इसका आबद्ध होता है, दूसरा सिरा फ्री होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कैंटिलीवर धरन। बात समझ में आ गई? यहाँ पर देखिए, हम फोर्स भी लगा सकते हैं। क्या क्या लगा सकते हैं? फोर्स लगा सकते हैं। तो कैंटिलीवर बीम की डिफिनेशन समझ में आई। कैंटिलीवर धरन एक ऐसी धरन होती है जिसमें कि एक सिरे को क्या कर दिया जाता है, एक सिरे को फिक्स कर दिया जाता है, दूसरे सिरे को फ्री कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार की धरन को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की धरन को कैंटिलीवर धरन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर इस पॉइंट में कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अब कैंटिलीवर बीम की बात आपको डिफिनेशन समझ में आ गई। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम। फिर हम इस पे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन कंटी लीवर फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन कैंटिलीवर बीम। ठीक, बात समझ में? कैंटिलीवर धरन पर प्रतिक्रिया बल ज्ञात करा, हिंदी में लिख सकते हैं कैंटिलीवर धरन पर प्रतिक्रिया बल ज्ञात करना। कैसे निकाला जाता है? अब इस चीज़ को हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक,
अब देखिए धरण आपकी ये है, बी में आप पहले बना लो धरण, इसका फिगर बना लो, तो आपको फिगर हो गया। फिर अब पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट है ये, अब एक पॉइंट बी। ओके, यहाँ पर तो बात समझ में आ जाती है। तो अब इस पर क्या करेंगे, तो अब वही चीज़ इधर आर ए लगेगा, आर बी की तरफ क्या लग रहा है, डब्ल्यू। तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्योंकि देखिए अब यहाँ जहाँ फिक्स है, फोर्स ऊपर क्यों लगेगा, ये फोर्स नीचे को लगेगा, तभी तो। अब कहने मतलब ये क्लाक वाइज, अगर हम इसको क्लाक वाइज मानते तो एंटी क्लाक वाइज, तो आर ए बराबर डब्ल्यू, इसको लिख सकते हैं आर ए माइनस डब्ल्यू बराबर जीरो, ये भी लिख सकते हो। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है। ओके, तो अब आर ए इक्वल टू डब्ल्यू, तो आर ए माइनस डब्ल्यू बराबर जीरो, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं, इसको क्रफ करते हैं, यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब टेकिंग मोमेंट ऑन बोथ, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, चाहे आप मोमेंट इधर से लीजिए, चाहे मोमेंट है, तो हम मोमेंट इधर से लेना चाहते हैं। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, यहाँ पे आर ए वाई इंटू जीरो, यहाँ पे कोई डिस्टेंस है नहीं है, तो यहाँ जीरो हो गया। फिर आगे बढ़ते कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, डब्लू माइनस डब्लू, अगर इसको प्लस माइनस डब्लू बराबर जीरो, तो यार ये जीरो, तो यहाँ पर क्या हो गया। कहने का मतलब है, तो हमेशा ये याद रखना कि यहाँ पर कोई मोमेंट नहीं आएगा, तो हमेशा आर ए बराबर कितना आएगा, डब्लू पे, और बी पर भी होएगा आर बी पॉइंट पे डब्लू के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको मोमेंट निकल के आएगा आर ए इक्वल टू डब्लू बराबर जीरो। ठीक, आज तो ये हम लोगों ने आज कैंटिलीवर बीम पढ़ा, कैंटिलीवर बीम को हमने पूरा बताया कि कैंटिलीवर बीम क्या होती है, नॉर्मल डायरेक्शन कैसे फाइंड होता, हमेशा आर ए इक्वल टू डब्लू, इस पर आप न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, अगर फोर्स इधर का सबसे ज़्यादा फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन किधर लगे, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर लगेगा, एंड पॉइंट, यहाँ पर जहाँ से फिक्स किया गया। ठीक है, ओके, आज ओके, थैंक यू।